नमस्ते खमागिनी सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल का सकाय मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ में हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। दोस्तों ये जो कल हुआ बीएमसी ने जाकर तोड़ा कंगना रनौत का जो दफ्तर मणिकर्णी का दफ्तर, इतने लोग नाराज हो गए हैं, लोगों ने अपील लगा दी। इसलिए केंद्र सरकार ने अब महाराष्ट्र सरकार से पूछा है क्यों तोड़ा, कैसे कार्रवाई की। कोरोना काल में जब डिमोलिशन बंद है तो 50 से 60 लोग कैसे गए जेसीबी लेकर, वर्कर्स इतने सारे लोग एक दूसरे को चिपक रहे हैं, कोरोना का कोई सेफ्टीज नहीं, मेजर्स ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्यों ऐसा हुआ। दूसरी बात, केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह इलीगल काम किया है जहां पर बीएमसी ने बिना नोटिस के 24 घंटे का खाली नोटिस, दोस्तों जबकि कहा जा रहा है मनीष मल्होत्रा को तो 7 के जगह 14 दिन का नोटिस मिल गया है। तो अब उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे सभी सवाल पूछ रहे हैं, ट्वीट करके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर उन्हें टैग करके, फेसबुक पर नाराजगी दिखाई दे रही है कल शाम से जो ये हरकत हुई है बीएमसी की। अब संजय राउत अचानक कहते हैं मुझे नहीं पता, बीएमसी को पूछो। कंगना रनौत ने कहा है मैं हार नहीं मानने वाली हूं, उन्होंने कहा है मैं सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाऊंगी। बिना नोटिस के तोड़ा है मेरा घर, मेरा सपना, मेरा दफ्तर। दोस्तों अगर किसी के सपने को यूं तोड़ा जाता है तो उनके आंखों में नमी दिखाई देती है और उनके दिल में एक तकलीफ दिखाई देती है, लेकिन यहां आंखों में नमी, दिल में तकलीफ और दिमाग में गुस्सा दिखाई दे रहा है कंगना रनौत के और पूरे फैंस के, पूरे समर्थक के। उन्होंने अपील कर दी, इसलिए केंद्र सरकार को खुद पूछना पड़ा महाराष्ट्र सरकार से क्यों तोड़ा बिना परमिशन के, बिना नोटिस के, बिना किसी को बताए। काफी इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर किए बिना अब लोग कह रहे हैं भड़ास निकाली है, खुन्नस निकाली है, बदला लिया है, ईगो दिखा है, अपना पावर दिखाया है। क्या ये सही है दोस्तों? आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को जो कि है बॉलीवुड हेल्पलाइन। देखते रहे हमारा चैनल फॉर लाइव बॉलीवुड अपडेट्स। मैं हूं एंकर करण रजानी, टेक केयर एंड गुड बाय।